हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। बिग बॉस सीजन 12 को खत्म होने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। वहीं हाल ही में सामवी एपिसोड हुआ था जहां सभी के घर वाले मिलने पहुंचे थे। वहीं जब दीपिका कक्कड़ से मिलने उनके पति शोहिब आए तो उनका बॉन्ड देखकर कंटेस्टेंट्स तो हैरान हुए ही, साथ ही फैंस को भी इनकी ये जोड़ी बहुत प्यारी लगी। वहीं शोहिब ने घर में सभी कंटेस्टेंट से मिलने के बाद एक इंटरव्यू दिया और श्री संत को लेकर कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर श्री और दीपिका के फैंस खुश हो जाएंगे। शोहिब ने दीपिका और श्री संत पर बात करते हुए बताया कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेट फैन हूं और श्री संत ने हमें T20 वर्ल्ड कप जिताया है। घर में दोनों जिस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं वो मुझे काफी पसंद आता है, क्योंकि दीपिका का कोई भी भाई नहीं है और अगर श्री संत में उन्हें एक अच्छा भाई नजर आता है तो उसमें खराबी क्या है। मैं श्री संत का शुक्रिया कहना चाहूंगा कि वो दीपिका के लिए घर में है और उनकी मदद करते हैं। मैं दोनों को फिनाले में देखना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, श्री संत के अलावा शोहिब ने बाकी कंटेस्टेंट्स को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि बिग बॉस के घर में कब क्या हो जाए नहीं पता कर सकते, पहले ये सब लड़ते हैं फिर दोस्त बन जाते हैं। वेल, घर के अंदर जहां श्री संत, रोमिल और करणवीर बोरा की वाइफ ने सुरभि राणा को खूब खरी खोटी सुनाई थी, वहीं दीपिका को हर बार फेक बोलने वाली उनकी खिल्ली उड़ाने वाली सुरभि को शोहिब ने घर में आकर कुछ भी गलत नहीं बोला। वैसे बात करें करण ट्रैक की तो घर में नॉमिनेशन टास्क चल रहा है। सोमी, करणवीर बोरा और रोहित पर नॉमिनेशन की तलवार लटक चुकी है। अब देखना होगा इस बार कौन सा सदस्य घर से बेघर होता है। वेल, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।